वर्तमान दौर में हर जगह नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति जैसे तमाम जुमले सरकारी नुमाइंदों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी से संघर्ष करती महिलाएं दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाती हैं। इस बढ़ती महंगाई में कल्पना की जा सकती है कि 2-4 हजार की तनख्वाह से घर कैसे चल पाएगा। सालों से आंगनबाड़ी में सहायिका कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही महिलाओं को मानदेय के रूप में मामूली तनख्वाह मिलती है, जबकि उनसे आंगनबाड़ी के अलावा स्वास्थ्य विभाग, पोलियो बूथ के साथ अन्य सरकारी कार्य भी कराए जाते हैं। हम लोगों का मांग है कि मानदेय, शासन बोली थी मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय 10 हजार कम से कम बढ़ाया जाए और हम लोगों को रेगुलर किया जाए। हम लोग को सभी विभाग काम लेती हैं और हम लोग को जब काम लेते हैं उसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ भी नहीं मिलता है, ना अतिरिक्त मानदेय मिलता है, ना कुछ मिलता है। हम लोग को एकदम दबाव के ऊपर हम लोग से काम कराया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों के लगभग सभी संवर्ग को आर्थिक लाभ से उपकृत किया जाता रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी की महिलाएं आज भी वही स्थिति में हैं जहां वे सालों पहले थीं। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। आज हम लोग 30 साल से यही काम कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार हमारी मांगों को ना सुन रही है ना मान रही है। तो हम लोग अभी आज तो एक दिवसीय धरना दे रहे हैं यहाँ बिलासपुर में, और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग का कुछ नहीं होता 2000 में, हम लोग सहायिका है, कुछ नहीं होता 2000 में। कम से कम 8000-10000 आना चाहिए। कार्यकर्ता लोग का कुछ नहीं करता, ऑटो ही निकल जाता तो पैसा। महंगाई को देख के कहाँ से करेंगे हम लोग नौकरी। 4-3 बजे तक ड्यूटी करते, 9-3, ना घर में समय दे पाते और ना पेमेंट बढ़ाते हैं, कुछ नहीं करते, क्या करें, ऐसे हो गया है। बच्चों को गोद में लिए सूरज की तेज तपिश के बीच मंगलवार को आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और 30 मार्च तक मांगों पर पहल नहीं होने पर काम बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ सरफराज अली, सिटी न्यूज, बिलासपुर।